अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम पे अभी ये जुम्मे का दिन है और तकरीबन 2 बजे का टाइम होने वाला है। बादशाही मस्जिद के बाहर हूँ। इंशाल्लाह अभी बादशाही मस्जिद के अंदर जाके जुम्मे की नमाज़ अदा करेंगे। और ये देखेंगे यहाँ से आप बादशाही मस्जिद के खूबसूरत नाज़िर हैं। धुंध अब कम हो गई है क्योंकि अपना सुबह यहाँ तकरीबन बहुत शदीद धुंध थी। तो अंदर चलते हैं और थोड़ा सा आपको अंदर से भी मस्जिद का व्यू दिखाते हैं और फिर नमाज अदा करते हैं। साइड के दरवाजे से मस्जिद देख सकते हैं। बादशाही मस्जिद के सहन में एंटर हो चुका हूँ। अच्छा जूते उतरवा लेते हैं ये लोग यहाँ। इनके सहन अच्छा खासा है। यहाँ मट्टी तो है बट जूते उतरवा लिए। और थोड़ा सा यहाँ खुतबे का टाइम बयान चल रहा है तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बोलूँ ना। बस आप देख लें, ये मेन एंट्रेंस भी थी और साइड्स भी छोटे गेट हैं। और ये खूबसूरत मनाज़िर बादशाही मस्जिद कर रहा था कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह की नबी मुझे निजात का रास्ता इरशाद फरमाइए कि मेरे लिए निजात का रास्ता क्या। किसी की दिल शक्ति हो, किसी के को तकलीफ हो तो अल्लाह को यह भी गवारा नहीं। अकीयत और जो हम गाली गेट से निकलते ही बादशाही के सामने देखें आप लाहौर का शाही किला। ये भी एक मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो खैर मैं अभी यहाँ तो नहीं जा पाऊँगा और ये इस तरफ शायद मेरे ख्याल से सिखों का कोई गुरुद्वारा या कोई जगह है। ये भी बिल्कुल बादशाही मस्जिद के देखें साथ ही है। निकलते ही यहाँ की तरफ है, सामने की तरफ बिल्कुल ये है लाहौर का शाही किला मशहूर। और यहाँ जो लोग घूमने आए हुए होते हैं घर है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश है। जुम्मे का दिन है, अभी बिल्कुल नमाज़ ख़त्म हुई है जुम्मे की। मैं बस अब बाहर निकलूँगा और थोड़ा सा शालीमार और अनारकली बाज़ार जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए